तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैं करने जा रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग और मेरे SJKM Z डुअल स्क्रीन पर। तो दोस्तों स्वागत है आपका चैनल में मेरे। और हम हैं अभी अकलतरा के शास्त्री चौक में और यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा पाली के लिए। पाली में महाशिवरात्रि के दिन से वहाँ मेला स्टार्ट होता है और वहाँ पर जो है फेमस जो है शिव का मंदिर भी है। तो ये दोनों चीज़ें के लिए हम वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। और यहाँ सब्जी मार्केट है अकलतरा का। तो दोस्तों जो आप साउंड अभी सुन रहे थे वो SJKM का साउंड है कहना चाहिए। वो इसी प्रकार से साउंड को पकड़ता है। जब भी आप एक्शन कैम लें तो SJKM में ये इशू है, आपको अलग से माइक ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन SJKM में अलग से माइक ऐड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीदनी पड़ेगी या फिर जो है एक मोबाइल से आपको साउंड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं SJKM Z डुअल स्क्रीन का है कैसा है। बाकी जो है वो GoPro से तो कंपेरिजन करना ही फालतू है। अगर आप SJKM Z डुअल स्क्रीन की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो मैं हाई बटन में इसका वीडियो लगा देता हूँ। बाकी देख सकते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन उतना सही नहीं है। वीडियो अभी भी जो है वो रहा है, जम कर रहा है इधर उधर। अगर आप राइट में देखेंगे तो दोस्तों मैं हूँ अभी बिलासपुर 4 लेन पर और ये सीधा निकलेगा बिलासपुर। तो दोस्तों मोटो व्लॉगिंग के लिए ये एक्शन कैम उतना सही नहीं है। बाकी देख सकते हैं काम चला हुआ आपका वीडियो क्वालिटी दे देता है। बाकी आप हीरो GoPro ही जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर। तो अभी हम लोग हैं व्यापार विहार के रोड पर। यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड जो है दुकानें लगी हुई हैं। व्यापार विहार में जो मेला हुआ था वो भी ये लेफ्ट साइड में ही पड़ता है इधर कहीं। और बाकी व्यापार विहार में बिलासपुर के क्या है, जितने भी जो बैंक्स हैं वो सब व्यापार विहार में आपको पड़ेंगे। और व्यापार विहार में जितने भी जो थोक विक्रेता लोग होते हैं वो सब यहाँ पर दुकानें जो है जमा के बैठे हैं व्यापार विहार में। और आपको सेकेंड हैंड कार का मार्केट जो है आगे है मंगला चौक के पास, वो भी पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो जिसमें मैंने मोटो ब्लॉगिंग करने की कोशिश की है, लेकिन इस SJKM में ये इशू है, इसके लिए अलग से ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी इसमें मोटो ब्लॉगिंग हो पाएगी। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। बाकी आप SJKM लेने से पहले ये चीज़ सोच के लीजिए कि इसमें अलग से माइक ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए मोटो ब्लॉगिंग पर, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग तो मैं करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं कि आगे से और इससे बेटर हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो जो है आप जल्दी से देख सकें।